हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आई सुमन कौशिक वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल द साइंस ओशन। एज यू ऑल नो दैट एसटेट सीटेट एग्जाम आर वेरी नियर, सो एज ए लास्ट मोमेंट स्ट्रेटेजी मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज लेकर आई हूँ और ये वीडियो उस सीरीज की फर्स्ट वीडियो है विच इज गोइंग टू बी मच बेनिफिशियल नॉट ओनली फॉर एसटेट सीटेट बट ऑल्सो फॉर अदर स्टेट्स टीचिंग एग्जाम लाइक यूपी टेट, TSSB एटसेट्रा। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, हमें इस क्वेश्चन में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है जहां हमें इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इस कंपाउंड की नेमिंग करनी है। यहां कंसेप्ट है फंक्शनल ग्रुप का। आप देख सकते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप है, एक कीटो फंक्शनल ग्रुप और दूसरा है कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। अब इन दो फंक्शनल ग्रुप में हम प्रायोरिटी किसको देंगे, इसके लिए हमें स्टैंडर्ड सीरीज जो IUPAC के अकॉर्डिंग दी गई है उसमें हमें ऑर्डर पता होना चाहिए कि किसकी ग्रुप प्रायोरिटी ज्यादा है। तो मैक्सिमम आप देख सकते हैं सीरीज के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रायोरिटी नंबर 1 पर है, फिर उसके बाद सल्फोनिक एसिड, एस्टर, क्लोराइड, अमाइड, साइनो, एल्डिहाइड, कीटो, अल्कोहल, अमीन, डबल बॉन्ड एंड देन ट्रिपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। इस तरह से ये प्रायोरिटी आपको सीरीज लर्न करनी है। अगर आप इसे लर्न कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप उसे इजीली आंसर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें आप देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक और कीटो के बीच में कंपैरिजन है, तो प्रायोरिटी हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप को देंगे और नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। तो आप देख सकते हैं ये 6 मेंबर की कार्बन की चेन होगी, इसीलिए इसका सफिक्स होगा हेक्सेन एंड कार्बोक्सिलिक के लिए हम जो यूज करते हैं ओइक एसिड हम यूज करते हैं सफिक्स में एज ए सफिक्स ओइक एसिड। तो यहाँ और कीटो के लिए हम सब्स्टिट्यूएंट यूज करते हैं ऑक्सो एज ए सब्स्टिट्यूएंट। प्रीफिक्स के लिए यूज करेंगे ऑक्सो एंड सफिक्स के लिए यूज करते हैं कीटो ग्रुप। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 5-ऑक्सोहेक्सेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियोप्रीन इज प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। नियोप्रीन आपको पता होना चाहिए कि नियोप्रीन होता क्या है। नियोप्रीन एक सिंथेटिक रबर है, सिंथेटिक रबर जो कि क्लोरोप्रिन की पोलोमराइजेशन से फॉर्म होती है। यहाँ रिएक्शन में आप देख सकते हैं क्लोरोप्रिन इसकी मोनोमर यूनिट है, क्लोरोप्रिन की यूनिट जुड़कर एक पॉलीमर बनाएंगी जिसे हम नियोप्रिन कहते हैं। रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी। ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ से होमोलिटिक फिशन होगी और एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही होगा और ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करती, एक अलग जो मॉलिक्यूल होगा क्लोरोप्रीन की यूनिट इस तरह आपस में जुड़ती चली जाएंगी और नियोप्रीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसके लिए आपको मोनोमर पूछा गया था कि किससे प्रिपेयर होती है, तो आप इस मोनोमर में आप चेक कर सकते हैं इसकी नेम क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4। 4 कार्बन की ये चेन है, उसके लिए हम यूज करेंगे ब्यूटा। 2 डबल बॉन्ड है डाईन और 2 पोजिशन पे क्लोरो ग्रुप है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरो-1-3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द रिएक्शन N2 प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रिएक्शन दी गई जिसमें अमोनिया की फॉर्मेशन दी गई है और पूछा है आपसे KP और KC में रिलेशन। इसके लिए आपको ये रिलेशन लर्न करना होगा, KP इज इक्वल टू KC RT डेल्टा NG रेज़ टू पावर डेल्टा NG। डेल्टा NG की वैल्यू होती है NP माइनस NR। NP इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड NR इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। हम इस रिएक्शन में चेक करेंगे डेल्टा NG की वैल्यू। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आप देख सकते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है, ये देखिए 2 अमोनिया। और रिएक्टेंट के लिए आप काउंट करें 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, सो इट वुड बी 4 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो आप डेल्टा NG की वैल्यू आ जाएगी -2। ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे फर्स्ट रिलेशन के अंदर, KP इज इक्वल टू KC RT डेल्टा -2। तो आप चेक कर लीजिए चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, इफ द रेट कॉन्स्टेंट फॉर सम रिएक्शन इज K इज इक्वल टू 3×10⁴ लीटर पर मोल पर सेकेंड देन इट्स ऑर्डर। आपसे ऑर्डर पूछा गया है रिएक्शन का, इसके लिए आप सिंपल एक फॉर्मूला याद कर लें यूनिट ऑफ के के लिए आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। यहाँ पर जो N की वैल्यू है दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
अब इसके लिए हम सभी ऑप्शन को चेक कर लेंगे। अगर हम यहाँ एन की वैल्यू जीरो रखेंगे तो वन माइनस जीरो वन, वन के लिए आप मोल पर लीटर पर सेकंड वैल्यू आ जाएगी जो कि यहाँ नहीं है, तो वन के लिए हम चेक करेंगे। वन के लिए अगर हम यहाँ चेक करेंगे तो वन माइनस वन आंसर पावर आ जाएगी जीरो, एनीथिंग पावर जीरो इज लीड्स टू वन, सो यहाँ आ जाएगा पर सेकंड, ये भी हमारा ऑप्शन में नहीं है। तो आप सेकंड के लिए चेक करें, सेकंड के लिए आप चेक करेंगे यहाँ वैल्यू, ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ, मोल पर लीटर वन माइनस टू पर सेकेंड, वन माइनस टू मोल पर लीटर माइनस वन पर सेकेंड, इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस वन की, तो हमें सेम यही मिल जाएगा लीटर पर मोल पर सेकेंड, तो आंसर वुड बी थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोनेट ओर ऑफ जिंक, यहाँ ऑप्शन में हमसे कार्बोनेट ओर ऑफ जिंक पूछा गया है और चारों ऑप्शन जिंक के ही ओर हैं, जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फाइड ओर है, जिंसाइट जिंक ऑक्साइड ओर है, कैलेमाइन जिंक कार्बोनेट ओर है और स्लेराइट जिंक सल्फाइड ओर है। इसके लिए अभी देखिए आप ये लर्न कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कैलेमाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, कैलेमाइन कई एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप लर्न रखें कि जिंक कार्बोनेट कैलेमाइन ओर है जिंक का। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, Which of the following molecule represent the type of hybridization? sp3, sp2, sp from the left to right atoms. यहाँ सिंपल आप ये कंसेप्ट याद रखें कि अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, कार्बन सिंगल बॉन्डेड है तो sp3 hybridization होगी, sp3. कार्बन डबल बॉन्डेड है तो sp hybridization होगी, कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है तो sp hybridization होगी, तो आप चेक कर लीजिए सभी ऑप्शंस के बीच में sp2 hybridization, यहाँ चेक कर लीजिए सभी ऑप्शंस के अंदर, इस फर्स्ट केस में यहाँ कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है तो ये केस तो कैंसिल हो गया, यहाँ डबल बॉन्डेड है ये भी कैंसिल होगा, इन दोनों में चेक कर लीजिए, यहाँ सिंगल बॉन्डेड है sp3 इन बोथ केसेस, यहाँ कार्बन सिंगल डबल बॉन्डेड है sp2 इन बोथ केसेस, यहाँ पर भी देखिए कार्बन ये डबल बॉन्डेड है sp2, बट ये केस डिफरेंट है, यहाँ कार्बन सिंगल बॉन्डेड है तो ये sp3 रहेगा और यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ये हाइब्रिडाइजेशन होगी sp, तो आंसर हमारा फोर्थ होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, इस क्वेश्चन में बताना है कि डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है, तो डाइपोल मोमेंट होता क्या है, डाइपोल मोमेंट बताता है किसी कोवेलेंट बॉन्ड की पोलैरिटी, कोई कोवेलेंट बॉन्ड कितना पोलर है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहेगा उतना ज्यादा बॉन्ड पोलर रहेगा, यहाँ आपसे हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट पूछा है तो इस क्वेश्चन का आंसर हम इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे देंगे। ये देखिए चारों के स्ट्रक्चर यहाँ पर दिए गए हैं, इनको अगर हम कंपेयर करें वन बाय वन, फर्स्ट अमोनिया का केस है तो आप देखिए इसका रिजल्टेंट ऊपर की तरफ है, इन तीनों का रिजल्टेंट भी ऊपर ही की तरफ है, डायरेक्शन दोनों की सेम है, यहाँ डायरेक्शन ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, इन तीनों का रिजल्टेंट नीचे की तरफ, अब डायरेक्शन अपोजिट है, इस केस में भी डायरेक्शन अपोजिट है और यहाँ इन तीनों का भी ये नीचे की डायरेक्शन में, तो आप चेक कर सकते हैं इन तीनों के केसेस में डायरेक्शन अपोजिट है, वेक्टर को डायरेक्शन अपोजिट है और फर्स्ट केस में डायरेक्शन दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन यहाँ पर एड हो जाएंगे, रिजल्टेंट क्या है ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू अदर्स, तो आप देख सकते हैं अमोनिया के केस में सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इन बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देती है क्योंकि वो बेंजीन रिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, तो यहाँ रिएक्शन दे रखी है, आप ये देखिए अब पूछा गया कि इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो किस पोजिशन पे आएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के लिए पूछा गया है, आप ये लर्न रखिए इलेक्ट्रो पैरा डायरेक्टर जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, फॉर एग्जांपल ये देखिए यहाँ एग्जांपल दिए गए हैं अल्कोहल अमीन NHR NR2 इस तरह के सभी CH3 ये सारे ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रो एग्जाम्पल ऑफ मेटा डायरेक्टर, मेटा डायरेक्टर होते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप,
यहाँ क्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन यानी कि हेलोजन जो है वो एक्सेप्शन है। तो आप चेक कर सकते हैं CHO हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है। बॉन्ड ऑर्डर मेजर करता है बॉन्ड की स्ट्रेंथ को और मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी को। मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी को बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। और इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर सेम रहता है। तो इस कंसेप्ट को फॉलो करते हुए देखिए हम इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे ये 14 यहाँ आ जाएगा, क्लोरीन के 34, ऑक्सीजन के यहाँ 14, 18 और इन दोनों ही केसेस में अगर कैलकुलेट करेंगे तो आप आ जाएगा 14 एंड 14। तो आंसर तो हमारा यही आ जाएगा थर्ड, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए बॉन्ड ऑर्डर सेम रहता है। हाइयर द बॉन्ड ऑर्डर द स्ट्रॉन्गर द केमिकल बॉन्ड। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा केमिकल बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन हो सकता है पर नेगेटिव नहीं हो सकता, ये बात आप नोट कर लें। और जीरो बॉन्ड ऑर्डर इंडिकेट करेगा कि मॉलिक्यूल स्टेबल ही नहीं है। अगर किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर जीरो आएगा तो इट मीन्स वो मॉलिक्यूल स्टेबल ही नहीं है। और आपको सिंगल मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो आप सिंपल ये फॉर्मूला लगा के उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें नाइट्रोजन का निकालना है N2 के लिए अगर हम बात करें तो 3 - 0.5 N यहाँ पर है नंबर ऑफ डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 14 से उनका डिफरेंस कितना है। तो 14 यहाँ इसका इलेक्ट्रॉन है 14, तो 14 - 14 0, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 0। तो N2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द एलिमेंट Z120 वुड बी प्लेस इन विच ऑफ द फैमिली ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसके लिए आप देखिए आपसे पूछा गया कि Z120 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में किस फैमिली में लाया करेगा। तो लास्ट एलिमेंट जो हमारा पीरियोडिक टेबल में लाया करता है 1118, ये हमारा नोबल गैस में लाया करता है। इसके बाद अगर 1119 एलिमेंट लाया करेगा तो वो अल्कली मेटल की सीरीज में करेगा। और नेक्स्ट आती है हमारी 120 अल्कलाइन अर्थ मेटल, सेकंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो 120 एलिमेंट यहाँ लाया करेगा अल्कलाइन अर्थ मेटल की सीरीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ये जो आपको रिएक्शन दी गई है यहाँ पे ये 1° अमीन प्राइमरी अमीन का टेस्ट है जिसे कार्बलमाइन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम प्राइमरी अमीन की रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म और केव से और आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होती है आइसोसाइनाइड। तो आंसर हो जाएगा हमारा 4th। इसमें एक पॉइंट आप और नोट कर लेना कि एनिलीन अगर दिया गया हो एनिलीन तब भी रिएक्शन सेम रहेगी। यहाँ पर ये जो बॉन्ड है NC आइसोसाइनाइड की यहाँ पर फॉर्मेशन रहेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, Which of the following is not a common component of photochemical smoke? Photochemical smoke के लिए मैं आपको बता दूँ स्मोक होता क्या, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। स्मोक इज ए मिक्सचर ऑफ स्मोक प्लस फोग एंड इट इज ऑफ टू टाइप, क्लासिकल स्मोक और फोटोकेमिकल स्मोक। क्लासिकल स्मोक कूल और ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है, फोटोकेमिकल स्मोक ड्राई और सनी क्लाइमेट में होता है। और कंपोनेंट अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो क्लासिकल स्मोक के जो कंपोनेंट हैं वो है स्मोक फोग एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2। फोटोकेमिकल स्मोक के कंपोनेंट है पैन पर ऑक्सीएसिटाइल नाइट्रेट एक्रोलिन ओजोन O3 फॉर्मल्डिहाइड और नाइट्रिक ऑक्साइड NO। तो आप चेक कर सकते हैं इन कंपोनेंट को, जाए CFC यहाँ नहीं है तो CFC इसका कंपोनेंट नहीं है। जो लास्ट पॉइंट है ये भी आप नोट कर लें, क्लासिकल स्मोक का नेचर रिड्यूसिंग है और फोटोकेमिकल स्मोक का नेचर ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। और एक पॉइंट और अगर मैं आपको बता दूं, क्लासिकल स्मोक को लंदन स्मोक भी कहते हैं और फोटोकेमिकल स्मोक को लॉस एंजल्स स्मोक भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इन्हीं प्लेस पर ऑब्जर्व किए गए थे, इसलिए उसी के अकॉर्डिंग इनका नाम भी दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स इन सॉल्यूशन। आपको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ पर दिया गया है, पूछा गया है कि वाटर में डिसोशिएट करने पर ये कितने आयन प्रोड्यूस करेगा।
तो यहाँ पर याद नोट करने वाली बात यह है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो एंटिटी है वो डिसोशिएट नहीं होती, वोटर के अंदर वो डिसोशिएट नहीं होगी। ये 2+ और 2C ये आयन डिसोशिएट होंगे, तो ये पूरा एंटिटी 1 काउंट हो करेंगे हम, और ये 2Cl-2, तो टोटल आयन हो जाएंगे 2 और 1 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ आपको एक बैलेंस इक्वेशन दी गई है और इनके कोफिशियंट हमें बताने हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखिए C3 कार्बन के यहाँ 3 मॉलिक्यूल है और यहाँ कार्बन का, तो क्या इनको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ क्या लगाएंगे 3। हाइड्रोजन के 8 हैं, यहाँ 2 ऑलरेडी है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप चेक करें, अब दोनों में ऑक्सीजन की वैल्यू हो जाएगी टोटल प्रोडक्ट साइड पे 10, तो यहाँ आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 हो जाएगी। तो अब ये बैलेंस इक्वेशन, इसकी कोफिशिएंट हो जाएंगे 1, 5, 3 और 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ए सॉल्यूशन कंटेन 3 कंपोनेंट A, B and C 0.2 मोल ईच, देन सम ऑफ देयर मोल फ्रैक्शन। एक सॉल्यूशन दिया गया है जिसमें आपको 3 कंपोनेंट दिए गए हैं A, B और C और हर एक के 0.2 मोल दिए गए हैं। अब कुछ क्वेश्चन इसका टोटल पूछा गया है कि इनके मोल फ्रैक्शन का सम, कुछ स्टूडेंट को सम करेंगे, और यहाँ सिंपल यही कंसेप्ट है कि किसी भी सॉल्यूशन में कितने भी कंपोनेंट क्यों ना दिए गए हों, सभी का जो मोल फ्रैक्शन है वो 1 ही रहता है। तो आप इसको नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द राइस वाटर टर्न्स ब्लू ब्लैक ऑन एडिशन ऑफ ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ। एक राइस वाटर है जिसमें आपको उसका जो कलर है आयोडीन के ड्रॉप्स डालने पर ब्लू ब्लैक हो जाता है, तो पूछा गया है कि किसकी प्रेजेंस को ये इंडिकेट करता है। तो ये जो इंडिकेट करता है स्टार्च की प्रेजेंस को, और ये जो टेस्ट है हम जैसे पोटैटो में करेंगे तभी भी यही टेस्ट देंगे क्योंकि उसमें भी स्टार्च होती है, तो ये स्टार्च के लिए टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, ओजोनोलिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन गिव प्रोपेन टू ओन एंड मिथिनल। यह आपको ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट दिए गए हैं प्रोपेन टू ओन प्लस मिथेनल। मिथेनल तो ओजोनोलिसिस सिंपली होती क्या रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है। अब वापस हमें जाना है रिएक्टेंट साइड में, रिएक्टेंट साइड में जाने के लिए हम ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे यहाँ से, और ये सिंपल इस बोर्ड को आप डबल बॉन्ड से जोड़ देना CH2। अगर इस कंपाउंड की नेमिंग करें हम तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड, और यहीं से प्रायोरिटी दी जाएगी 1, 2 और 3। इट वुड बी 2-methyl propene। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल द साइंस ओशियन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।